हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोगों का स्वागत है मेरी और इंडियन बैंक DM3D की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन बैंक DM3D में जो है आप JTE कलर कैसे चेंज कर सकते हो और आपको कौन कौन से जो है JTE कलर देखने को मिलेंगे। और ये भी बताने वाला हूँ कि क्या इस अपडेट में आपको ग्राफिक्स चेंज मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इंडियन बैंक DM3D में एक और गुड न्यूज निकल कर आई है, वो कि मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन बैंक DM3D में जो है आपको अपडेट कब देखने वाला है। तो आपको इंडियन बैंक DM3D में जो है 1 जनवरी को आपको जो है अपडेट मिलने वाला है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन बैंक DM3D में जो है आप JTE कलर कैसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे इंडिया बैंक DM3D में जो है JTE मिल चुका है। कैसे मिला वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि इंडिया बैंक DM3D में जो है एक गुड न्यूज़ निकल के आई है, वो भी जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप इंडिया बैंक DM3D में जो है JTE पैक के जो है कलर कैसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिंपली फ़ोन निकाल लेता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं येलो कलर देख करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है और भी कलर जो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने फ़ोन निकाला और यहाँ पर मैं अब वाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो वाइट कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हो और भी कलर हैं जो कि मैं आपको चेंज करके बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि इंडिया बैंक DM3D में जो है इस वाले अपडेट में आपको ग्राफिक चेंज मिलेंगे क्या नहीं। अब जो मैं आपको JTE पैक पे ड्राइव करके भी दिखाऊंगा और आपको ग्राफिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोबारा से जो है रेड कलर कर लिया। और एक गुड न्यूज़ भी बताने वाला हूँ अब मैं। अब देख सकते हो यहाँ पर जो है JTE पैक को आसानी से आप उड़ा सकते हो, जैसे कि आप हेलीकॉप्टर उड़ाते हो उसी तरह आप JTE पैक को जो है ड्राइव कर पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आसानी से जो है उड़ पा रहा हूँ मैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे रेड कलर का जो बटन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर जो आप क्लिक कर दो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन दूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं आसानी से जो है JTE पैक को जो है ड्राइव कर पा रहा हूँ और आपको आप ग्राफिक्स भी बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि और क्या क्या ऐड होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा औसम दिखाई दे रहे होंगे कि आपको इस वीडियो में आपको पता चल रहा होगा कि ग्राफिक्स में इस वाले अपडेट में आपको कितना चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्राफिक्स भी ज़्यादा हाई कर दिए गए हैं। और अब मैं आपको बता दूँ कि गुड न्यूज़ क्या होने वाली है। तो हमारे इंडियन बैंक DM3D में जो है बिलेरो को जो है ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आप अब रोहित गेमिंग स्टूडियो ने जो है पोस्ट करके बताया है तो देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पर एक पोस्ट दिखाई दे पा रही होगी, उस उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है डाली है। और आपको इसका गेम प्ले भी चाहिए बिलेरो को चलाने वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको बिलेरो कार का जो है गेम प्ले चला कर भी दिखाने वाला हूँ। और ये भी बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।